Yumraj. My name is Gresh from Government High School Dr. Marga Chandigarh. आइए हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सर्च मार के देख के प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने प्रोजेक्ट बनाया कुछ जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सीरियल वाइज। तो सबसे पहले मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है उसका नाम है चाइल्ड फ्लोइंग रोबोट, यानी कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो रोबोट है ये चाइल्ड को फ्लो करने वाला रोबोट है जो कि बच्चों को फ्लो करेगा। तो हमने अक्सर देखा है कि अक्सर सबके घर में लगभग सभी के घरों में तो कोई ना कोई बच्चा होता ही रहता है छोटा सा जिसको केयर की जरूरत होती है और हमेशा उसके पास कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई पर्सन होगा ही होगा। तो हम चाहते हैं हमने सोचा है हमने एक तरह से एक आइडिया दिया है कि क्यों हम एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं हम जो कि अगर मार्केट में आती है तो इसकी जो ये प्रोजेक्ट है ये जो मॉडल है ये बच्चों को फ्लो करेगी और फ्लो तो करेगी। इसके साथ हमने अक्सर देखा जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जो वॉइस होती है जो बात होती है जो पेरेंट्स उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको बहुत जल्दी फ्लो करते हैं। तो आइए जो ये प्रोजेक्ट है ये कैसे फ्लो करेगा उनको तो मैं आपको इसके कंपोनेंट बताना चाहता हूँ इसमें क्या क्या यूज हुआ है और ये वर्क कैसे करता है। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया है जो कि आर्डिनो के थ्रू इसको जो इसका एरिया है वो इसके डिस्टेंस में आने पर ये बच्चे को क्या करेगा इंस्ट्रक्शन देगा यानी कि ये फ्लो करेगा। अगर बच्चा उससे आगे गया तो ये उसके पीछे चला जाएगा लेकिन अगर वो पीछे आता है अगर बच्चा आगे अगर बच्चा पीछे आता है तो फिर ये भी पीछे आएगा। अगर बच्चा साइड जाएगा तो ये भी साइड जाएगा। अगर बच्चा लेफ्ट जाएगा तो लेफ्ट जाएगा ये राइट जाएगा तो राइट जाएगा। और इसमें हमने ये तो फ्लो का कंसेप्ट लगाया इसके साथ हमने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बड़े बच्चों से बहुत जो स्किल होती है वो बड़े बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कि वो किसी भी बात को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं नोट्स करते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो इसमें हमने एक वॉइस रिकॉर्डर लगा रखा है जिससे कि जो पेरेंट्स होता है वो यहाँ से इसको क्लिक करके इस रेड बटन को यहाँ से क्लिक करके यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है और इसके थ्रू अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जैसे कि अगर बच्चे जा रहा है तो अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे बच्चे आप उधर मत जाओ वापस आओ तो बच्चा आगे अपने पेरेंट्स को जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंट्स की बात बहुत जल्दी सुनता है तो अपने बात सुन के वो बच्चा रुक जाएगा वो वापस आ जाएगा। उसके बाद उनकी जो छोटे बच्चों की स्किल होती है उनको हमने बढ़ाने का कोशिश किया है। तो इस स्किल में हम इस उनको बच्चों को यहाँ से रिकॉर्डिंग करके उनके पेरेंट्स ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय या फिर कैसे कबूतर या फिर 1 2 3 या फिर टेबल ऐसे ऐसे हम छोटे लेवल पे ही बहुत ज़्यादा जो इनकी स्टडी स्किल है उनको हम बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वर्क कैसे करता है। अब आइए अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है इसका नाम विद्युत परिपथ है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें सर्किट्स के बारे में नहीं पता होता कि सर्किट किस तरह से काम करता है तो हमने इसमें दो कनेक्शन किए हैं। हमारा पहला कनेक्शन सीरीज है और दूसरा पैरेलल कनेक्शन है। और क्या कहते हैं बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि कौन सा हिस्सा नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव। हमने यह सब बातें ध्यान में रखते हुए एक लर्निंग गेम बनाई है जिसके कारण बच्चा है वो समझ भी पाएगा और क्या कहते हैं लर्निंग भी हो जाएगी कि ये सब काम कैसे करते हैं। आइए मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। आइए अब हम इसको गेम के थ्रू देखते हैं कि गेम के थ्रू कैसे इस जो बच्चे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट को इलेक्ट्रिक नेटवर्क को समझ सकते हैं। जैसे कि जब हम इसे ऊपर करेंगे जब हम अगर इसमें ये टच नहीं होगी अगर बाई चांस में ये टच हो जाती है तो एलईडी ग्लो करने लग जाती है और बजर बजने लग जाता है। अगर हम इसे बिन टच करें उधर लेके जा सकते हैं तो जिससे कि बच्चे का फोकस भी होता रहेगा और वो गेम को पूरी भी कर लेगा।
इसके थ्रू हम बहुत सारे गेम्स को, जो ये गेम है, गेम के थ्रू जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट होता है, उन सभी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। अब आइए अब हम दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एयर रॉकेट। जब हम जो ये एयर रॉकेट है, इसे हमने एयर के कॉन्सेप्ट में बनाया है, जैसे कि जब हम पंप इसमें लगाएंगे, जब हम पंप से इसमें हवा भरेंगे तो सारी हवा बोतल में इकट्ठी हो जाएगी, जिसके कारण प्रेशर बनेगा, और जब हम ये नोजल खोलेंगे तो जो ये रॉकेट है वो ऊपर को जाएगा, क्योंकि सारी हवा इकट्ठी प्रेशर होके एकदम से बहुत तेजी निकलती है। इसमें जो मेन रोल है वो हवा का रोल है, क्योंकि जो रॉकेट होते हैं उसमें हवा, यानी कि ये जो रॉकेट है इसके थ्रू हमने बताया कि कैसे ये वर्क करेगा। तो ये जेट इंजन है, ये एक जो ये रिमोट, ये रिमोट के थ्रू इसको कंट्रोल की जाएगी, जिसका डिस्टेंस होएगा। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि इसको हम नॉर्मल रोड पे तो चलाएंगे लास्ट, अगर उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसको पानी में भी फ्लोट कर सकते हैं। इसमें हमने फ्लोटिंग सिस्टम लगा रखा है, फ्लोटिंग सिस्टम के लिए हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो वाटर बोतल्स होते हैं उनके पार्ट्स लगा रखे हैं, वाटर बोतल्स लगा रखे हैं। तो ये हमने बनाया क्यों है, तो हमने अक्सर प्रॉब्लम देखा है कि अगर सीवरेज है या फिर कोयले की खदान है, ये उन दोनों जगह पे यूज हो जाएगी, सीवरेज की जगह पे भी यूज हो जाएगी और ये कोयले की खदानों में भी यूज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों जगहों पे अक्सर हम देखते हैं कि हार्मफुल गैसें पाई जाती है, मीथेन की, मैथेन जैसे। तो मीथेन, CO2, वहाँ पे मतलब बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं, जो कि अगर नॉर्मल मजदूर जाता है तो वहाँ पे हार्मफुल गैसों की वजह से उनका दम घुट के या फिर उन गैसों की वजह से मैथ डेथ हो जाती है। तो हमने सोचा कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे, सीवरेज की प्रॉब्लम्स देखी, कोयले खदान की प्रॉब्लम्स देखी, तो ये सभी समस्याओं को क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कोई एक बस डिवाइस होनी चाहिए, जो कि उसको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दे कि वहाँ पे कोई हार्मफुल गैसें है, और जिसके अकॉर्डिंग हार्मफुल गैस है तो जाहिर सी बात है हम उसको तो डायरेक्ट तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब पता लग गया है तो उसके बाद जो अब हम मजदूर को भेजेंगे तो उसको हम पूरी सेफ्टी देंगे, जिससे कि उसकी वहाँ पे डेथ ना हो। तो इसको हमने रिमोट कंट्रोल पे, आइए इसको हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करेंगे। तो आइए अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे कि हमने वर्किंग देख ली कि ये कैसे वर्क करती है और कैसे इसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जब ये गई तो यहाँ पे अक्सर हमने, आप सोच रहे होंगे कि कोयले की खदान तो बहुत ज़्यादा मतलब कि पथरीली होगी और वहाँ पे किसी भी डिवाइस को जाना मतलब मुश्किल सा होएगा, लेकिन और अगर ये वहाँ पे दौड़ लेगी, अगर व्हील चेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे तो चलेगी, लेकिन वाटर में सीवरेज के अंदर कैसे भेजेंगे, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ इसी प्रॉब्लम्स के लिए हमने यहाँ पे फ्लोटिंग सिस्टम लगा रखा है, जो कि यहाँ पे फ्लोट करने का काम करेगी, और फ्यूचर में हम इसमें GSM मॉड्यूल लगाएंगे और कैमरा मॉड्यूल भी लगाएंगे, जिससे कि जो वहाँ का प्रॉपर रिव्यू है उसको अपने फ़ोन में देख सके। और इसमें अभी हमने एक ही गैस सेंसर लगाया है, लेकिन इसको फ्यूचर में हम और भी सेंसर्स एक साथ मतलब कि मिक्स करके हम वहाँ पे सेंसर्स लगा सकते हैं, जो कि जो गैसें हैं वहाँ पे उसके बारे में हमारे फ़ोन में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वहाँ पे कौन कौन सी गैसें हैं। उसके साथ कैमरे मॉड्यूल से हम वहाँ की परिस्थितियों के बारे में जान लेंगे कि वहाँ की परिस्थिति कैसी है और अपने मजदूरों को भेजना चाहिए या नहीं भेजना। तो ये थी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, जो हमने एक आइडिया बेस्ड और एक वर्किंग मॉडल के थ्रू शो किया है। थैंक यू।